हेलो फ्रेंड्स, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले सिंपली हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन चार, निम्नलिखित पद्यांशों में से एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उनके काव्य सौंदर्य भी लिखिए। आपने देखा क्या है फ्रेंड, यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उनका काव्य सौंदर्य भी कीजिए। क्या फ्रेंड, वन प्लस फोर प्लस वन यानी छः नंबर, क्या फ्रेंड ये हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछा है आपको पता होगा। एक फ्रेंड गद में लॉन्ग आंसर आता है और एक आता है पद में, तो फ्रेंड हमने लॉन्ग आंसर क्या फ्रेंड हमने पद में क्या फ्रेंड गद में से तो हमने बना लिया, अब रह गया हमारा पद का। तो फ्रेंड हम पद में आज देखने वाले हैं। फ्रेंड यहाँ पर काम में क्वेश्चन दिया है, बैठो माता आंगन में, और फ्रेंड ये क्या है, नाता भाई बहन का समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। ये फ्रेंड हम का तो नहीं करने वाले, लेकिन हम फ्रेंड सेकंड करने वाले हैं। क्या हम सेकंड करने वाले हैं, और सेकंड नंबर पाता है खावाला। तो ये फ्रेंड उधो मही ब्रज ब्रस बिरसत नहीं, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की नाही, प्रातः समय माता जग जसुमती अरुनंद दिखुई सुखपावत, माखन रोटी दयुज सजाओ अति हित सख खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सभी दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनको हितु जदु जात। यही क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर, मैं आपको लिख के तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन फ्रेंड मैंने यहाँ पहले क्वेश्चन क्या फ्रेंड लिख के रख लिया है। तो मैं फ्रेंड बस सिंपली आपको बता दूंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में पद्यांश में से कैसे आपको संदर्भ व्याख्या करनी तथा कैसे आपको प्रसन्न तथा काव्य सौंदर्य आपको कैसे लिखना है, जिससे कि आपको 95 क्लास या 95 आपको मार्क्स मिलने तथा आपको 6 नंबर का ये क्वेश्चन जो फ्रेंड आपके लिए पूरा तरीके से तैयार हो सके। तो फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन की ओर के आंसर की ओर। आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रेंड मैंने लिख लिया है। फ्रेंड आपको वो क्वेश्चन पता होगा कि क्वेश्चन चार कैसा फ्रेंड यहाँ पर चार था, और फ्रेंड मैंने क्वेश्चन क्या कहा था फ्रेंड खा गया था, और मैंने यहाँ पर का लिख लिया। तो यहाँ पर सिंपली मैं ऐसे का कर देता हूँ, क्या फ्रेंड मैंने वहाँ पर क्वेश्चन खा लिखा था। क्या फ्रेंड मैंने यहाँ पर क्वेश्चन का नहीं किया बल्कि खा किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने आपको बोर्ड एग्जाम आपको लिखना है प्रश्न चार का खाका उत्तर। अगर आपको यही वाला आ जाए तो फ्रेंड आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, वहाँ पर लिखना है फ्रेंड आपको पता होगा कि यहाँ पर देखो, आप देखिए उधो में ही ब्रजस, क्या है फ्रेंड उधो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जूम करके, आप देख सकते हो क्या फ्रेंड, मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है फ्रेंड ओदो मोही, तो फ्रेंड आपको सिंपली शुरू के दो वर्ड ले लें तथा लास्ट के तीन वर्ड क्या है फ्रेंड, जिनसो हित जदू जात, यही आपको ले लेना है। तो सिंपली मैं इसे एक बार अनजूम कर देता हूँ। अब जूम करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड ओदो मोही ब्रज डैश 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 करने के बाद जिनसो हित जदू जात, ये आपको लिख लेना है। फिर आपको संदर्भ लिखना है, फर्स्ट क्या फ्रेंड संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अव्य खंड, क्या फ्रेंड आपको जो इसमें मेन टॉपिक उसे ब्लैक पेन से लिख लिया और बाकी आपको ब्लू पेन से तो लिखना ही है। काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है, ये महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से उद्घृत है। देखिए फ्रेंड मैंने कितना इजी तरीके तक, कितना मेहनत, क्या फ्रेंड आपको कितना इंपॉर्टेंट तरीके से, क्या फ्रेंड आपको कितना अच्छी तरीके से लिख के दिखाया है। क्या फ्रेंड ये तो हो गया हमारा संदर्भ, अब आता है फ्रेंड प्रसंग। प्रसंग देख लेते हैं एक बार, प्रसंग आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर आपको प्रसंग लिख लेना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी, प्रस्तुत पद्यांश सूर सार्थ, क्या फ्रेंड सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। उधम ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिससे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। तो फ्रेंड क्या हो गए, भाव विभोर हो गए, ये तो हो गया हमारा प्रसंग, और ऊपर क्या हो गया फ्रेंड संदर्भ। अब देखते हैं फ्रेंड व्याख्या, तो व्याख्या कैसी है एक बार और मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्या फ्रेंड मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि व्याख्या में आपको सिंपली क्या लिखना है। व्याख्या में लिखनी है फ्रेंड आपको, श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, हे उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, मैं सबको भुलाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ, क्या प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन और गोकुल वन उपवन सभी मुझे बहुत याद आते हैं, वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती। प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते थे तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माता यशोदा मक्खन रोटी और दही मुझे बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपियां और ग्वाल बालों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ करते थे, क्रीड़ाएँ मतलब आप समझते खेला करते थे, और सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड मैंने यहाँ पर व्याख्या कितना इसी तरीके से कर, कितना हैंड सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका व्याख्या होगा। और फ्रेंड इसमें थोड़ा और बचा है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर फ्रेंड थोड़ा और बचा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड सूरदास जी ने ब्रजवासियों की सराहना करते हुए कहते हैं कि वे ब्रजवासियों धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनके, केवल श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं और इनका प्रशिक्षण, केवल प्रति क्षण ध्यान करते हैं। प्रति क्षण का मतलब हर पल ध्यान करते हैं उन्हें श्री कृष्ण अतिरिक्त ऐसा हितोषी और कौन मिल सकता है, उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितोषी कौन मिलता है। ये तो हो गया फ्रेंड आपका व्याख्या। अब आती है बात किस बात की, काव्य सौंदर्य पे। अब आपका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण साधारण मनुष्य की भांति अपने प्रियजनों को याद करके, कैफ्रेंड याद
याद कर द्रावित हो रहे हैं। यद्यपि उनका व्यक्तित्व अलौकिक है, फिर भी ब्रज स्मृतियाँ, क्या फ्रेंड, ब्रज स्मृतियाँ उन्हें व्याकुल कर देती हैं। ये हो गया फ्रेंड आपका काव्य सौंदर्य। अब देख लेते हैं फ्रेंड काव्य सौंदर्य में प्रयोग होने वाला फ्रेंड, इसमें जो भाषा प्रयोग हुई है वो हुई है ब्रज की। और फ्रेंड गुण जो माधुर है और रस श्रृंगार है और छंद गय आत्मा, क्या फ्रेंड गय आत्मा, और शब्द शक्ति अभिधा है और व्यंजना, क्या फ्रेंड अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति। और अलंकार की बात करें तो फ्रेंड इसमें दो अलंकार का प्रयोग किया गया, एक है अनुप्रास अलंकार और एक है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। ये हो गया आपका क्या फ्रेंड आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत ईजी तरीके से पूरा हो गया। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड एक बार और आपको और बता दूं फ्रेंड, आप चाहें तो इसे नोटबुक में नोट कर लीजिए, नहीं तो आप अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने इसे बहुत मेहनत किया फ्रेंड, मैं आपको बता दिया कि आपको व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य अगर आप तो आए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम है फ्रेंड आपको कैसे लिखना है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना फ्रेंड, जैसे मैंने लिखा है आप लिख लीजिए। आपको 6 नंबर देने से फ्रेंड आपका कोई भी एग्जामर आपको काट नहीं सकता। तो फ्रेंड आज का जो हमारा लाइक टारगेट है वो ओनली 25 है। मैं देखता हूँ क्या मुझे इस वीडियो में मेरी मेहनत के 25 लाइक मिल पाएंगे। तो बस आज के लिए बस 9, मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।